दीवाने तेरे ना। ओके तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरह के एडिटिंग करने वाले हैं और आप लोगों ने जो सॉन्ग सुना है वो इंस्टाग्राम रील्स पर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा अगर आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे तो। सो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते अपने वीडियो को वायरल करना तो एंड तक इस वीडियो को वॉच करो, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को एडिटिंग करना है। सो इसके लिए आप लोगों को दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो है आपका VN एप्लीकेशन एंड सेकेंड है आपको 19 फोटो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सो फटाफट से आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप देखो मैं जो कुछ भी मतलब कि बता रहा हूँ एंड यहाँ पर मतलब कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होती है, फोटो को कितना टाइमिंग रखना है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने वीडियोज में मतलब कि स्टेप बाई स्टेप देख के बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, देन यहाँ पर प्लस आइकन टैप करता हूँ, देन यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर मैं कुछ पहले एक फोटो लेना, ठीक है ना। सबसे पहले एक फोटो लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा फोटो डाउनलोड करके रखा था जैसे कि देख सकते हो, ये डेमो के लिए है। तो लाइक यहाँ पर मैंने ये वाला फोटो लेता हूं एंड इसको ओके मतलब कि एक्सपोर्ट कर लेता हूं इंपोर्ट एंड यहां पर जैसे कि देखते हो मेरा फोटो आ चुकी है। अब दोस्तों फर्स्ट फोटो एक सिर्फ एक फोटो लेना है फर्स्ट बार एंड इस फोटो का जो मतलब कि टाइमिंग रखना है वो रखना है 1.18 सेकंड, देन यहां पर मैं 1.18 सेकंड रख लेता हूं, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा टाइमिंग हो गया है तो लाइक इतना मुझे रखना है 1.18 सेकंड इतना, ठीक है ना। ये मेरा टाइमिंग हो चुका है एंड यहाँ पर ये वाला पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो फर्स्ट फोटो आप लोगों को ऐड करना है 1.18 सेकंड, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से टाइमिंग को पता मतलब कि देख लेना और वीडियो में ऐड करना। एंड सेकंड फोटो जो लेना है वो 8 फोटो की जरूरत पड़ेगी सेकंड में, तो यहाँ पर 8 फोटो फटाफट मैं ले लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मेरा 8 का 8 फोटो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों 8 फोटो का जो टाइमिंग रखना है वो रखना है आप लोगों को 0.20 सेकंड यानी कि 0.20 सेकंड। सो यहाँ पर फोटो का जो मतलब कि सेकंड है जैसे कि देख सकते हो ऑलरेडी मेरा हो चुकी है 0.24 सेकंड, तो यहाँ पर मुझे मतलब कि 20 सेकंड तक रखना, देन यहाँ पर इतना कर लेता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सब कुछ सबको एडजस्ट कर लेना, लाइक यहाँ पर इतना इतना करके। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया तो फटाफट और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस 8 का 8 फोटो मेरा एडजस्ट हो चुका है। अब दोस्तों क्या करने का, देखो यहाँ पर इफेक्ट जो लगाना है मतलब इफेक्ट उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 का 8 फोटो में मुझे इफेक्ट लगाना है, तो देखो 8 फोटो जो मैंने इंपोर्ट किया उसमें मैंने पहले एक फोटो ऐड किया था वो 1.18 सेकंड का था, उसमें अभी ऐड मतलब कि इफेक्ट लगाना है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर 8 फोटो को ज़्यादा लगाना है, वहाँ पर किसी एक फोटो पर क्लिक करो, उसके बाद एफएक्स पे जाओ एंड इसमें लगाना है आप लोगों को स्लाइड राइट। यहाँ पर जैसे कि देख सकते ये वाला स्लाइड राइट, ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्लिक करो और वीडियो में ऐड कर दो एंड यहाँ पर ओके। तो देखो यहाँ पर क्या करने की, एफएक्स पर क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरा सभी फोटोज़ में ऐड हो जाए। लेकिन उसके बाद देखना फर्स्ट वाले जो वीडियो ऐड किया था उसमें भी ऐड हो चुकी है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले वीडियो पर क्लिक करना है, एफएक्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर नो कर देना, ठीक है ना, नॉन कर देना, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला पर ऐड नहीं करना है, मुझे 8 का 8 फोटो में चाहिए। तो मेरा 8 फोटो का ऐड हो चुका, फिर से सिंगल फोटो ऐड करना है, फिर से आपको एंड यहाँ पर क्लिक करो, फिर सिंगल फोटो के एक ऐड करो। तो लाइक यहाँ पर मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना, एंड यहाँ पर ओके। तो जैसे कि तो सिंगल फोटो ऐड हो चुका, अब इसका जो टाइमिंग रखना है वो है आपको 0.90 सेकंड तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं टाइमिंग रख लेता हूँ 0.90 सेकंड तक, देन यहाँ पर इतना, ठीक है ना, 0.90 सेकंड तक। एंड यहाँ पर इसका भी इफेक्ट आप लोगों को लगाना है स्लाइड राइट, देन यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ स्लाइड राइट, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ जितना दूर है, ओके। तो उसके बाद ये फिर मैंने एक फोटो ऐड कर लिया 8 फोटो के बाद, फिर से एक फोटो ऐड करना है, देन यहाँ पर क्लिक करो, फिर से फोटोज पर जाओ, देन यहाँ पर मैं ये वाला फोटो ऐड कर लेता हूँ। फिर से आपको इसका जो टाइमिंग रखना है वो 0.70 सेकंड तक, देन यहाँ पर परफेक्ट मेरा टाइमिंग हो चुकी है। फिर से आप लोगों को इफेक्ट पर जाना है, देन यहाँ पर इसका इफेक्ट लगाना है, तो इसका लगाना है आपको ये वाला एक्सपेंड, जैसे कि देख सकते हो ये वाला, ठीक है ना। तो इसको फुल कर देता हूँ एक्सपेंड यहाँ पर राइट, तो ये भी इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर से आप लोगों को 8 फोटो की जरूरत पड़ेगी, 7-8, ठीक है ना, धन यहाँ पर 8, ओके। इसको फिर से ऐड कर लेता हूँ एंड जो 8 का 8 फोटो मैंने लास्ट बार ऐड किया है, तो इसका जो टाइमिंग आप लोगों को रखना है वो 0.40 सेकंड तक रखना है, देन यहाँ पर मैं 0.40 सेकंड फटाफट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि देख सकते हो मेरा टाइमिंग जो परफेक्ट सेट हो चुकी है, मतलब 0.40 सेकंड तक मैंने सभी फोटोज को कर दिया। अब दोस्तों 8 का 8 फोटो में फिर से मुझे इफेक्ट लगाना है यानी कि एफएक्स पे, तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर फोटोज पे सॉरी एंड यहाँ पर एफएक्स पे जाओ एंड आप लोगों को क्या करना कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो इफेक्ट लगाना है वो लगाना है जूम इन, ठीक है ना। देन यहाँ पर राइट साइड पर क्लिक करोगे तो जूम इन यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा,
तो जूम इन ये बोले, ठीक है ना, तो ये वाला आप लोगों को लगाना है। देन यहाँ पर ओके, एक एक करके आप लगाना है, अप्लाई टू ऑल मत कर देते ना, नहीं तो फिर सभी फोटोज में आ जाएगी। जूम इन करके फिर से इसको राइट। तो गाइज मैंने सभी फोटोज में जूम इन वाला इफेक्ट लगा लिया है। अब दोस्तों बाकी रहा सिर्फ एक फोटो में ऐड करना, वो है फर्स्ट वाली फोटो पे। तो फर्स्ट वाली फोटो पे ऐड किया करना है कि देखो यहाँ पर क्लिक करो और फर्स्ट वाली फोटो पे इफेक्ट जो अपन को लगाना है वो लगाना है जूम आउट वाला, क्योंकि लास्ट में मैंने जूम इन किया था, अब फर्स्ट में जूम आउट होगा, लास्ट में जूम इन होगा, ठीक है ना, ध्यान देना बात को। तो यहाँ पर जूम आउट वाला ऑप्शन ये वाला, ठीक है ना, तो इसको मैं फुल कर लेते जितना हो सके। एंड यहाँ पर ओके, तो अपन का वीडियो ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाना है, एक गा के रह गया, वो है म्यूजिक। सो म्यूजिक का मतलब कि जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, देन वहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और एक काम वीडियो में बाकी है, आप लोग अगर मतलब कि वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं ध्यान से देख रहे हो तो फिर कुछ नहीं पता होगा। तो क्या है, वीडियो को देखते रहो। तो सबसे पहले मैं म्यूजिक ऐड करूंगा, देन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर से म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर यहाँ पर प्लस वाला मुझे टैग बना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फॉर्म वीडियो जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद उस वीडियो को ले लेना है जिसमें आप लोगों को सॉन्ग को चाहिए जिस वीडियो से। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये बोला, ठीक है ना, तो ये बोला मेरा वीडियो है। एंड ओके, तो ये मेरा ऑलरेडी पहले से है दिखा रहा, तो आपको ओके कर देना है। एंड यहाँ पर ओके हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बोला मतलब कि जैसे कि देख सकते हो मैंने चूज कर लेता हूँ इसको, ये बोला ऐड हो चुकी है। एंड यहाँ पर ओके, तो अपन का मतलब कि सॉन्ग यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोटिस नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है, देखो वीडियो का जो मतलब कि रेशियो है आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो वो कुछ मतलब कि अलग टाइप का है, जो मतलब कि ओरिजिनल साइज में नहीं है, जो रील्स में होती है 9:16 रेशियो वाला, ठीक ना, तो इसमें नहीं है। तो इसको कैसे करना है, एक फोटो पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर 9:16 रेशियो कर देना है बस, ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को एडजस्ट कर लेना। तो अब मेरा वीडियो डन हो चुकी है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और मतलब कि अगर पूरा देखना चाहते हो तो इसका भी मैं वीडियो टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर मतलब कि देख लेना, ठीक है ना, कैसा वीडियो हुआ है मेरा। तो इसका मैं साउंड को पहले ऑफ कर देता हूँ, बिकॉज आपको तो पता ही है कॉपीराइट इशू। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग को चालू करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ओके। तो इस तरह का कुछ अपन का वीडियो शो करेगी, काफ़ी कमाल का लग रही है, बीट के साथ मैच कर गई है, आप लोग देख लेना वीडियो को, ठीक है ना। यहाँ पर सॉन्ग के साथ सुनाई नहीं देगा, इसीलिए आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर बीच में से कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और जो भी मैंने कुछ यहाँ पर यूज़ किया है मतलब कि मटेरियल वगैरह आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इसका टाइमिंग वगैरह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, एकदम नीचे जाओ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।